इंस्टेंट पैन कार्ड अब अपलोड फोटो और सिग्नेचर के नए फीचर के साथ। जी हाँ, अब अधिकारी अपने ग्राहकों का फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके भी उनके लिए इंस्टेंट पैन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यह बहुत ही आसान और नया फीचर है। पहले अधिकारी सिर्फ ई केवाईसी ऑथेंटिकेशन प्रोसेस के साथ ही अपने ग्राहकों के लिए पैन कार्ड अप्लाई कर सकते थे, जिसमें कि ग्राहक का फोटो उसके आधार कार्ड से ऑटोफैच होता था और पैन कार्ड पर प्रिंट होकर आता था, और साथ ही ग्राहक अपने सिग्नेचर मार्कर की सहायता से पैन कार्ड की हार्ड कॉपी पर करते थे। लेकिन अब इसमें एक और नया फीचर ऐड किया गया है, जिसमें कि अधिकारी ग्राहक के लिए पैन कार्ड अप्लाई करते वक्त उसकी फोटो और सिग्नेचर डिजिटली अपलोड कर सकता है, प्रोसेस को पूरा करते दौरान ही कर सकता है, जो कि पैन कार्ड पर प्रिंट होकर आता है, जिससे कि प्रोसेस और भी आसान और फास्ट हो जाता है। यह पूरा प्रोसेस भी इंस्टेंट अप्लाई होने वाला है। साथ ही ग्राहक को ई पैन उसकी मेल आईडी पर रिसीव होगी, और चाहे तो ग्राहक उसका फिजिकल कॉपी भी मंगवा सकता है। बिना किसी फिजिकल डॉक्यूमेंट्स के बनाए अपने ग्राहकों के इंस्टेंट पैन कार्ड, जिसके लिए ग्राहक का सिर्फ आधार कार्ड होना जरूरी है। इंस्टेंट पैन कार्ड अप्लाई करने के लिए अधिकारी के पास बायोमेट्रिक मशीन का होना अनिवार्य है, और साथ ही वह आधार लिंक मोबाइल नंबर पर आए ओटीपी के माध्यम से ऑथेंटिकेशन कर सकता है। इंस्टेंट पैन कार्ड के लिए एप्लीकेंट यानी कि ग्राहक को कुछ निर्धारित अमाउंट पे करना होगा, जो कि अधिकारी के स्पाइस मनी वॉलेट से डिडक्ट होगा। अमाउंट डिडक्ट होने के बाद अधिकारी ग्राहक से वह डिडक्टेड अमाउंट ले सकता है। कुछ सिंपल स्टेप्स में स्पाइस मनी अधिकारी अप्लाई कर सकते हैं अपने ग्राहकों के लिए इंस्टेंट पैन कार्ड। अधिकारी स्पाइस मनी अधिकारी ऐप या B2B पोर्टल पर यूजर आईडी और पासवर्ड के साथ लॉगिन करें। हमने आगे का प्रोसेस B2B वेब पोर्टल के माध्यम से पूरा किया है। अप्लाई इंस्टेंट पैन कार्ड टाइल पर क्लिक करें, जो कि अधिकारी को पैन कार्ड सर्विस के होम पेज पर ले जाएगा। अधिकारी यहां पर सर्विस डिटेल्स, पैन कार्ड अप्लाई करने का प्रोसेस, पैन कार्ड अप्लाई करते वक्त क्या क्या सावधानियां बरतनी है, उसकी डिटेल्स और साथ ही पूछे जाने वाले प्रश्नों की डिटेल्स चेक कर सकता है। अप्लाई फॉर इंस्टेंट पैन कार्ड टुडे पर क्लिक करें। नियम व शर्तों को ध्यानपूर्वक पढ़ें और अग्री पर क्लिक करें। अधिकारी रेलिगेयर पेज पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे, जहां उन्हें इंस्टेंट पैन कार्ड के लिए एप्लीकेंट यानी कि ग्राहक की डिटेल्स भरनी होंगी। एप्लीकेशन टाइप में EKYC पैन न्यू एप्लीकेशन सेलेक्ट करें। कैटेगरी में इंडिविजुअल सेलेक्ट करें। पैन कार्ड टाइल में फिजिकल पैन कार्ड और ई पैन कार्ड में से एप्लीकेंट यानी कि ग्राहक की इच्छा अनुसार ऑप्शन सेलेक्ट करें। अब आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, एक है विद आधार KYC एंड फोटो और दूसरा है विद फोटो एंड सिग्नेचर। यदि आप पहला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो यह पुराना प्रोसेस है, जिसमें कि आप ग्राहक का EKYC ऑथेंटिकेशन पूरा करके इंस्टेंट पैन कार्ड के लिए अप्लाई करते हैं। दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करने पर आपको ग्राहक की फोटो और सिग्नेचर डिजिटली अपलोड करना होगा, जो कि उसके पैन कार्ड पर प्रिंट होकर आएंगे। आसानी से इंस्टेंट पैन कार्ड के लिए अप्लाई करने के लिए विद फोटो एंड सिग्नेचर सेलेक्ट करें। ग्राहक की डिटेल्स भरें, जैसे कि टाइटल सेलेक्ट करें, उसका लास्ट सरनेम एंटर करें, फर्स्ट नेम एंटर करें, मिडिल नेम डालें, जन्म तिथि डालें, जेंडर सेलेक्ट करें। ग्राहक को अपना पैन कार्ड पे क्या नाम लिखवाना है वह लिखें। ग्राहक का मोबाइल नंबर एंटर करें, ईमेल आईडी डालें, प्लेस का नाम लिखें। ध्यान रहे, यह सारी डिटेल्स बिल्कुल करेक्ट और ब्लॉक लेटर में एंटर करें, क्योंकि यह सारी डिटेल्स आगे की जर्नी में ऑटोफिल होकर आएंगी। सबमिट बटन पर क्लिक करें। NSDL पेज पर अधिकारी द्वारा पहले स्टेप में भरी गई एप्लीकेंट यानी कि ग्राहक की डिटेल्स ऑटोफिल होकर आएंगी, जैसे कि एप्लीकेंट का नाम, उसकी जन्म तिथि, जेंडर आदि। अब अधिकारी को एप्लीकेंट यानी कि ग्राहक का आधार नंबर एंटर करना होगा और ऑथराइजेशन देना होगा। डिटेल्स एंटर करके सबमिट पर क्लिक करें। ध्यान रहे, इसके अलावा कोई भी डिटेल्स एडिट नहीं की जा सकती है। नियम व शर्तों को एक्सेप्ट करें। सबमिट करने के बाद ग्राहक की भरी गई डिटेल्स दिखेंगी। अधिकारी ग्राहक का वह नाम एंटर करें जो कि वह अपने पैन कार्ड पर प्रिंट करवाना चाहता है। नेक्स्ट पर क्लिक करें। यदि ग्राहक किसी अन्य नाम से जाना जाता है तो अधिकारी हाँ या नहीं विकल्प का चयन कर सकते हैं। यदि हाँ का चयन किया जाता है तो अधिकारी को ग्राहक की कुछ डिटेल्स भरनी होगी, जैसे कि टाइटल, लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम। डिटेल्स भरने के बाद अधिकारी नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब अधिकारी ग्राहक के माता पिता की डिटेल्स भरें। यदि ग्राहक की माता सिंगल पेरेंट है और एप्लीकेंट केवल माता की डिटेल्स देना चाहता है तो हाँ सेलेक्ट करें और केवल माता की डिटेल्स ही भरें। पिता की डिटेल्स भरने की जरूरत नहीं है। यदि ग्राहक के माता और पिता दोनों की डिटेल्स भरना चाहता है तो पहले पिता की डिटेल्स भरें। पिता का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंटर करें। पिता की डिटेल्स दिखाए गए कॉलम में फिर से भरें। अब माता की डिटेल्स भरें। माता का लास्ट नेम, फर्स्ट नेम, मिडिल नेम एंटर करें। माता की डिटेल्स दिखाए गए कॉलम में फिर से भरें। ग्राहक अपने पैन कार्ड पर माता या पिता में से किसका नाम लिखवाना चाहता है उसके अनुसार ऑप्शन चुनें। नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब ग्राहक की अन्य डिटेल्स भरें। यदि ग्राहक फिजिकल पैन भी पाना चाहता है तो यस सेलेक्ट करें। सोर्स ऑफ इनकम सेलेक्ट करें। ग्राहक मल्टीपल ऑप्शन भी सेलेक्ट करवा सकते हैं। यदि कोई इनकम नहीं है तो नो इनकम भी सेलेक्ट कर सकते हैं।
एरिया एसटीडी कोड एंटर करें, बाकी की डिटेल्स ऑटोफिल होकर आएंगी। ग्राहक का कम्युनिकेशन एड्रेस सेलेक्ट करें और उसकी कंप्लीट एड्रेस डिटेल्स एंटर करें। यदि ग्राहक सैलरीड एम्प्लॉय है तो उसके ऑफिस की एड्रेस डिटेल्स एंटर करना मैंडेटरी है। ऑफिस का नाम एंटर करें और बाकी की डिटेल्स भी भरें। आधिकारिक ग्राहक से मिले इनपुट के आधार पर अपॉइंटिंग रिप्रेजेंटेटिव एसएससी के लिए हाँ या नहीं में से एप्रोप्रिएट ऑप्शन चुनें। अधिकारी नेक्स्ट पर क्लिक करें। अधिकारी एओ कोड डिटेल्स एंटर करें। एओ कोड सर्च करने के लिए अधिकारी इंडियन सिटीजन, स्टेट, यूनियन टेरिटरी, सिटी सेलेक्ट कर सकते हैं। सिटी का चयन करने पर फॉर्म के बटन पर एओ कोड डिटेल्स डिस्प्ले हो जाएंगी। अधिकारी सर्च ऑप्शन पर क्लिक कर सकते हैं, जिसके बाद डिटेल्स ऑटो पॉपुलेट हो जाएंगी। नेक्स्ट पर क्लिक करें। अब ग्राहक की डॉक्यूमेंट डिटेल्स भरें। इस स्क्रीन पर अधिकारी ग्राहक का POI यानी कि प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी व POA यानी कि प्रूफ ऑफ एड्रेस और डेट ऑफ बर्थ डिटेल्स देख सकते हैं। पहले स्टेप में दिए गए आधार नंबर से ऑटोफैच होकर आई हैं। अब ग्राहक का फोटो और सिग्नेचर अपलोड करें, जो कि उसको अपने पैन कार्ड पर प्रिंट करवाना है। फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने के लिए जो साइज दिया है और जिस फॉर्मेट में मांगा गया है उसी में अपलोड करें। साथ ही एक सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपलोड करें। ग्राहक की प्लेस का नाम और डेट एंटर करें। सबमिट पर क्लिक करें। अधिकारी फाइनल सबमिशन से पहले ग्राहक की सारी डिटेल्स क्रॉस चेक करें, जैसे कि ग्राहक का नाम, जन्म तिथि, ग्राहक की पेरेंट की डिटेल्स, एड्रेस आदि। साथ ही ग्राहक से भी सारी डिटेल्स क्रॉस वेरीफाई कराएं। यदि डिटेल्स में कुछ एडिट करना है तो एडिट पर क्लिक करके डिटेल्स एडिट भी कर सकते हैं। डिटेल्स क्रॉस चेक करने के बाद कन्फर्म पर क्लिक करें। एप्लीकेशन सक्सेसफुली कंप्लीट होने के बाद अब अधिकारी को ई साइन प्रोसेस को कंप्लीट करना होगा, जिसके लिए आधार बेस्ड ई साइन सर्विस को सिस्टम के माध्यम से ग्राहक के ई हस्ताक्षर लेने होंगे। जिसके लिए अधिकारी के पास दो ऑप्शन है, OTP बेस्ड ई साइन और बायोमेट्रिक बेस्ड ई साइन। OTP बेस्ड ई साइन प्रक्रिया को पूरा करने के लिए ग्राहक का आधार नंबर एंटर करें और सेंड OTP पर क्लिक करें। ग्राहक के आधार लिंक मोबाइल नंबर पर SMS के फॉर्म में एक OTP आएगा। UIDAI के रिकॉर्ड के अनुसार डिटेल्स को वैलिडेट करने के लिए SMS में आए OTP को अधिकारी ग्राहक से लेकर यहां एंटर करें। वेरीफाई OTP पर क्लिक करें। OTP बेस्ड ई सिग्नेचर ऑथेंटिकेशन पूरा हो गया है। यदि ग्राहक बायोमेट्रिक बेस्ड ई साइन सेलेक्ट करवाता है तो ग्राहक का आधार नंबर एंटर करें। अधिकारी को किसी भी सपोर्टेड बायोमेट्रिक मशीन का उपयोग करके एप्लीकेंट की डिटेल्स को ऑथेंटिकेट करना होगा और UIDAI के रिकॉर्ड के अनुसार डिटेल्स वैलिडेट करनी होगी। बायोमेट्रिक मशीन सेलेक्ट करें, चेकबॉक्स पर क्लिक करें, कैप्चर पर क्लिक करें, ओके पर क्लिक करें। ग्राहक की फिंगरप्रिंट सक्सेसफुली कैप्चर होने के बाद सक्सेसफुल का मैसेज स्क्रीन पर शो होने लगेगा, ओके पर क्लिक करें। बायोमेट्रिक वैलिडेट होने के बाद ई साइन ऑथेंटिकेशन सक्सेसफुल का मैसेज स्क्रीन पर शो होने लगेगा। दोनों में से कोई भी एक ऑप्शन चुनकर आप ई साइन का प्रोसेस पूरा कर सकते हैं। ई साइन ऑथेंटिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद अधिकारी के वॉलेट से रिक्वायर्ड अमाउंट डिडक्ट हो जाएगा और एक्नॉलेजमेंट नंबर जनरेट हो जाएगा। अधिकारी यह नंबर ग्राहक के साथ शेयर करें। तो इस प्रकार बड़ी आसानी से अधिकारी अपने ग्राहक का इंस्टेंट पैन कार्ड अप्लाई करने में मदद करें। आइए जानते हैं कुछ खास बातें कि आपको क्या करना चाहिए। ग्राहक का इंस्टेंट पैन कार्ड अप्लाई करते वक्त अधिकारी कुछ खास बातों का ख्याल रखे, जैसे कि अधिकारी जिस भी ग्राहक के लिए पैन कार्ड अप्लाई कर रहा है उसकी डिटेल्स आधार कार्ड के अनुसार ही भरे। ग्राहक की ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर आधार कार्ड के अनुसार ही एंटर करें। अधिकारी UIDAI रिकॉर्ड के अनुसार ग्राहक की वैलिड OTP या बायोमेट्रिक डिटेल्स एंटर करें। अधिकारी केवल ऑथराइज बायोमेट्रिक डिवाइस का ही उपयोग करें, जैसे कि मॉर्फो लोकल होस्ट, प्रिसीशन या मंत्रा। पैन कार्ड अप्लाई करते समय ब्लॉक लेटर यानी बड़े अक्षरों में ही पूरी डिटेल्स भरें। पैन कार्ड एप्लीकेशन फिल होने के बाद ग्राहक से डिटेल्स वेरीफाई जरूर कराएं और साथ ही खुद भी वेरीफाई करें। अधिकारी इस बात का भी ख्याल रखें कि ग्राहक की ईमेल आईडी एक्टिव हो। क्या ना करें? अधिकारी ग्राहकों की संवेदनशील जानकारी जैसे कि आधार नंबर, OTP आदि किसी के पास ना शेयर करें, ना नोट करें। कभी भी ग्राहक की मेल आईडी या मोबाइल नंबर की जगह अपनी ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर ना दर्ज करें। कभी भी गलत OTP बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन एंटर ना करें। विवाहित महिला का पैन कार्ड अप्लाई करते समय कभी भी उसके पिता के अलावा किसी और का नाम ना डालें। इस बात का भी ख्याल रखें कि जिस व्यक्ति का पहले से पैन कार्ड बना हुआ है उसका दोबारा से पैन कार्ड अप्लाई ना करें। और साथ ही साथ ग्राहक को भी यह जानकारी दे कि एक बार पैन कार्ड व्यक्ति को मिल जाने के बाद एक नया पैन कार्ड नंबर अलॉट नहीं हो सकता, मगर पुराने पैन कार्ड के खो जाने या उसमें कोई गलती होने पर उसी पैन कार्ड की रिक्वेस्ट डलवाकर उसे एडिट करवाया जा सकता है। तो आप आसानी से ग्राहक की फोटो और सिग्नेचर अपलोड करके उसके लिए इंस्टेंट पैन कार्ड के लिए अप्लाई करें। धन्यवाद।